तो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल सीजन 6 एक फीचर पैक्ड सीजन होने वाला है और इसमें हमें मैप्स, पर्क्स, कोस्ट्रीक्स, गन्स और कई सारे बग्स एंड फिक्सेस एंड ऑप्टिमाइजेशंस के अलावा भी कई सारी चीजें देखने को मिलने वाली है। फर्स्टली बात करते हैं ज़ॉम्बी मोड के बारे में। तो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल ने खुद कंफर्म कर दिया है कि सीजन 6 में ज़ॉम्बी मोड आने वाला है, लेकिन ये ज़ॉम्बी मोड टेस्ट सर्वर में नहीं आएगा। पर इस वीडियो में हमने ज़ॉम्बी मोड के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करा है और बीआर में एक मेजर चेंज के बारे में भी हमने इस वीडियो में रिवील करा है। लिंक आई बटन में है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, क्लिक इट। सेकंडली पर्क्स एंड कोस्ट्रीक्स के बारे में बात करें तो ये एक नया रेड पर्क भी आ रहा है जिसका नाम है मैटरडोम। इस पर्क की हेल्प से आप जैसे ही मरोगे आपकी बॉडी से एक ग्रेनेड ड्रॉप होगा और जो भी बंदा उस ग्रेनेड की वेसिनिटी में हुआ वो बंदा आउट हो जाएगा। बट आई थिंक ये एक डोमिनेशन और हार्ड पॉइंट जैसे मोड के लिए एक बहुत अच्छा पर्क होगा। हार्ड पॉइंट और डोमिनेशन से मुझे याद आया कि एक नया टैक्टिकल इक्विपमेंट भी आने वाला है जो कि है शील्ड ग्रेनेड। ये ग्रेनेड हमें इनकमिंग बुलेट से तो नहीं बचाएगा पर हाँ हमारे एनिमीज का व्यू ब्लॉक कर देगा। लेट्स सी आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म करता है। इसके अलावा ये डायनामिक आर्मर जो कि एक नया ऑपरेटर स्किल है आने वाला है इन सीजन 6। ये 150 एडिशनल हेल्थ हमें दे देगा और इसका चार्ज टाइम है 120 सेकंड्स और इसकी ड्यूरेशन है 7.8 सेकंड्स। तो ये एग्रेसिव प्लेयर्स के लिए थोड़ा अच्छा हो सकता है। स्कोस्टिक्स में हमें स्वॉर्म देखने को मिलेगा जो कि 1100 पॉइंट्स कॉस्ट करता है पर ओ माय गॉड ये लिटरली वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एंड स्केरी स्कोस्टिक्स है। आई मीन जस्ट लुक एट दिस। अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स हमें कई सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी देखने को मिलेंगे। फर्स्टली अब आप मल्टीपल लेआउट प्रीसेट्स बना सकते हो और अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग्स को अपलोड कर सकते हो ताकि आप उसको मल्टीपल डिवाइसेस में यूज़ कर सको और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सको। सेकेंडली अब कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल ने 90 डिग्री का FOV ऐड कर दिया है, यानी अब आप एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू में देख पाओगे इन MP एंड BR मैचेस। बाय द वे अगर आप वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो सब टू द चैनल विल बी अमेजिंग। थर्डली ऑडियो ग्राफिक सेटिंग्स के अंदर अब इफेक्ट सेक्शन भी आ चुका है जिसमें हिटमार्क इफेक्ट्स, उनके कई सारे कलर्स और डायरेक्शन एरोज के भी कलर्स अब आप चेंज कर सकते हो। इसके अलावा एक्सप्लोजन शेक भी ऑफ करने का ऑप्शन अब आ चुका है। फोर्थ चेंज है इन द लेआउट। अब आपके पास एक सेपरेट बटन होगी वेपन स्वॉप करने के लिए और ये कई सारे ऑप्शंस। एक ऑप्शन ये भी है कि अब आप अपने टैक्टिकल इक्विपमेंट और लीथल इक्विपमेंट को सेपरेट कर सकते हो, मतलब अब उनकी अलग अलग बटन होंगी। फिफ्थ चेंज है वेपन स्पेशल इफेक्ट्स डिस्प्ले जिसमें आप गन बॉडी इफेक्ट्स, डेथ इफेक्ट्स एंड मजल फ्लैश इफेक्ट्स को ऑन या ऑफ कर सकते हो। अब कंप्लीशनिस्ट कैमो अपडेट हो रहा है, हमें कुछ ऐसा डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा BR में भी कई सारे चेंजेस और ऑप्टिमाइजेशंस किए गए हैं जिस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, तब तक के लिए पीस आउट।